नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आज इन शेयरों में फिर से लगभग 2.5% की बढ़त के साथ इस समय 76.60 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। आज आरएफसी लिमिटेड को लेकर कई सारे हम खुलासे करने वाले हैं और अंत में बताएंगे दोस्तों कि हमें 500 शेयर क्यों अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले अगर हम खबरों पे फोकस करें तो दोस्तों सरकारी टेल वेबसाइट के अनुसार आपको याद होगा कि 23 सितंबर को इन्होंने 36वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के बीच में कंपनी को कुल मिलाकर 6,337 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि पहले साल की अपेक्षा 4% अधिक है। यानी कि पहले साल कंपनी को 6,089 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस बीच में कंपनी ने अपना रेवेन्यू को भी बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है तो 17% का रेवेन्यू बढ़ाया है। ये हम AGM रिजल्ट की बात कर रहे हैं जो 36वां वर्षगांठ में इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। तो इस बीच में देखा यह गया है कि इस साल कंपनी ने 23,891 करोड़ का सेल किया है और पहले साल यह कंपनी यानी कि 21 और 22 के एंड में 20,298 करोड़ का सेल किया था। यानी कि 17% इन्होंने सेल्स में वृद्धि दर्ज की है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी 4% प्रॉफिट भी दर्ज किया है। इस रिपोर्ट में यह भी जारी की गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के दरमियान में कुल मिलाकर 1960 करोड़ का डिविडेंड बांटा गया है और फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़कर 30% है। तो मिला जुला जो रिपोर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। अब आते हैं दोस्तों उन सभी कंपनियों को जो रेलवे से रिलेटेड ये रेलवे के लिए कारोबार करती है और आपने देखा होगा पिछले एक साल में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी RBNL और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अपने निवेशकों को 200-250% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। तीसरी कंपनी है टीटागढ़, यह कंपनी मुख्य रूप से रेलवे के कोच और माल ढोने वाले वाहनों का निर्माण करती है। चौथी कंपनी है जुपिटर वैगन्स, यह कंपनी भी यात्री के ढोने के लिए डब्बे और माल ढोने के लिए डब्बों का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर हमने दोस्तों चार कंपनियां के जिक्र किया है, जुपिटर, टीटागढ़ और इरकॉन और RBNL। अब ये सभी कंपनियां आप देखें तो न्यूज के बल पे इन सभी शेयरों में तेजी देखने को मिला है जो कि रियलिटी से कोसों दूर है। नॉर्मली शेयर की प्राइस कब बढ़ती है, जब कंपनी रिपोर्ट जारी करती है या पूरे साल की डाटा देती है, उस हिसाब से कंपनी का शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला है इन चारों स्टॉक में। कारण यह भी रहा है कि इन चारों शेयरों पे देखे होंगे कि कई सारे खबर आए कि कभी 311 करोड़ का ऑर्डर मिला तो कभी 6000 करोड़ का ऑर्डर मिला, कभी वंदे भारत को लेकर 2500 वंदे भारत बनाए जाएंगे, इस तरह के कई सारे ऐसे खबरें आए जिनके कारण से सब में तेजी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और भी सत्य है, इन सब कंपनियों को ऑर्डर मिला तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा कौन? अगर रेलवे मंत्रालय की ओर से इन सभी कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं तो रेलवे को तो पैसे चाहिए ना, तो उस पैसे को RFC लिमिटेड प्रोवाइड करवाएगी, जिनके कारण से उन सभी शेयरों में तेजी के साथ साथ RFC लिमिटेड में भी आपको देखने को मिला होगा। तो खैर असली आपको जो फायदा दिखेगा या फिर असली जो तेजी देखने को मिलेगा इसके क्वार्टर रिजल्ट के बाद, माफ कीजिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 के एंड में ही क्यों? दरअसल दोस्तों जिस कंपनी को हम आज फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचा रहे हैं
तो ये चीज़ हम आपको साल के एंड में दिखाते हैं कि हम इस साल इतना रेवेन्यू या फिर इतना सेल्स किया है और इसके अकॉर्डिंग हमने इतना प्रॉफिट किया है। अब एक नज़र चार्ट पैटर्न को ही देख लेते हैं। तो आज बेशक इन्होंने 2.34% बढ़त के साथ ₹76.07 पे मार्केट बंद हुआ है। पिछले एक महीने में इन्होंने 53% रिटर्न दिया है। 5 दिन में देखें तो इन्होंने इस बीच में ₹78 का हाई तो बनाया था, फिर से इन्होंने जो गिरावट दर्ज की थी वो ₹74.75, और 2 दिन में इनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि कल और आज जो तेज़ी देखने को मिला था ये न्यूज, जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल रेलवे की ओर से आरवी अनल को 311 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिनके कारण से आज इन दोनों शेयरों में भी आपको तेज़ी देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में आरएफसी लिमिटेड ने 187% का रिटर्न दिया है। कई बार तो दोस्तों इन्होंने 10% 15% 17% 20% तक की तेज़ी देखने को मिला है एक एक दिन। कोई ऐसा निवेशक नहीं होगा जो ये अनुमान लगा सकता था कि आरएफसी लिमिटेड इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकती है एक एक दिन में, और अगर हम पूरे 6 महीने में 87%, क्योंकि कुछ निवेशक उस समय भी थे साल 2021 में कि यह शेयर 24 से 25 हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है, उस समय के लिए लगता भी था, अपने निवेशकों को बहुत पैनिक किया था, ना तो यह शेयर ऊपर जा रहा था ना तो नीचे आ रहा था, काफ़ी दिन तो यह शेयर जो है ना 23 और 24 के बीच में ही कारोबार किया है। मैक्सिमम एक साल में देखें तो 260% का रिटर्न दिया है, यानी कि सीधे तौर पे आपके पैसे में 2.5 गुना, और मैक्सिमम चार्ट के अनुसार देखें 208%, यानी कि यह शेयर लिस्टेड कब हुई थी साल 2021 में, और पिछले 3 सालों में ही अपने निवेशकों को इन्होंने 2 गुना का रिटर्न दे दिया। तो क्या आने वाले समय में हम इस कंपनी से मिनिमम 20 से लेकर 30% हर एक साल एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपना परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल, आगे आपको नहीं दिखाने वाली है। आगे हो सकता है करेक्शन देखने को मिला है या फिर साइडवेज देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह की मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर किसी को अगर खराब लग रहा होगा तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ सब 150 चले जाएगा या फिर यहाँ से 200 चले जाएंगे तो ये गलत है। इस तरह की झूठी खबर के चक्कर में मत रहिएगा। आइए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फंडामेंटल देखें। तो नॉर्मली दोस्तों शेयर कितना रिटर्न दिया, आगे चलकर कितना देगा, हम इस चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं। गौर कर रहे हैं फंडामेंटल बेस पे। कंपनी की फंडामेंटल अच्छी होगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रिटर्न देगा बिना रिस्क लिए हुए। इसलिए हमने किसी भी कंपनियों के बारे में बताया है तो आपको डीप में उस कंपनी के फंडामेंटल बताने की कोशिश किया है। आज मार्केट कैप के लिहाज से आरएफसी लिमिटेड 153,000 करोड़ की हो चुकी है। प्राइस अर्निंग रेशियो 16 पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 5.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% का है। बुक वैल्यू ₹36 पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 2 गुने पे कारोबार कर रही है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो देखने के बाद भी लगता है कि यह शेयर अब भी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में आरएफसी लिमिटेड ₹92 का हाई और ₹21.20 का लो। प्रेजेंट में इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 2% का है, जो पहले की अपेक्षा बहुत कम है। पहले 4% हुआ करता था, अब 2% है। फेस वैल्यू 10 है, तो भविष्य में स्टॉक स्प्लिट का लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे POC स्टॉक हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी देने का काम किया है, जैसे कॉनकोर हो गया, भेल हो गया, इरकॉन हो गया। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखें दोस्तों, जो चीज़ हमने आपको शुरुआती में न्यूज़ पे बताया था ये चीज़ पहले से मेंशन की गई है। साल 2020 में 13,000 करोड़ का सेल किया है, लेकिन बात कही गई थी उसमें 22 और 23 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने पूरे साल में 22 में 20,299 करोड़ का सेल किया है और 23 में 23,892 करोड़ का। प्रॉफिट में भी देख लेते हैं तो कंपनी 22 में 6,090 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 23 में
6337 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो न्यूज़ के हिसाब से शेयर में भागते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको पहले से भांप लेनी चाहिए। अब आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 24 होंगे उसमें ये कंपनी अनुमान लगा रही है कि पहले की अपेक्षा हम सेल कम करेंगे। माफ कीजिए दोस्तों, सेल तो ज़्यादा करेंगे लेकिन प्रॉफिट कम करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 24 में होगी 24,984 करोड़ का सेल करेगी कंपनी। इस बीच में कंपनी जो है मात्र 6,232 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट करेगी, यानी कि पहले की अपेक्षा लगभग 150 करोड़ कम है। अब दोस्तों आरएफसी लिमिटेड को लेकर सावधानी बरतने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें। सरकार ने घोषणा किया था, बेसिक रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया हो, लेकिन घोषणा किया था क्या, ओएफएस के जरिए हम अपने शेयर को बेचेंगे, यानी कि ऑफर ऑफ सेल के जरिए हम अपने शेयर को बेचेंगे। तो इस समय भारत सरकार के पास हिस्सेदारी कितना है, 86.36% की हिस्सेदारी है, और आप 11% हिस्सेदारी बेचने की बात कह रहे हैं। तो इन खबरों से या फिर जब भी शेयर बिकेंगे तो उस दिन इन शेयरों में गिरावटें होंगे, क्योंकि अचानक से 11% होल्डिंग टूटना गिरावट की ही संकेत देती है। आप इसे बल्क डील के तौर पर भी मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर FII क्वार्टर फोर में इनके पास 1.15% की हिस्सेदारी थी, अब इन्होंने 0.1% की हिस्सेदारी घटा के इस समय 0.14% की हिस्सेदारी हो चुकी है। डोमेस्टिक वाले पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट से अपने हिस्सेदारी को घटा रहे हैं और इस समय 2% की हिस्सेदारी है। रिटेल निवेशक के पास 10% की हिस्सेदारी है। तो फिलहाल हमें इन शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास 5,000 शेयर हैं, और अगर जिनके पास 1,000 शेयर है और मन बना लिए कि हम 10 साल 12 साल 20 साल होल्ड करें तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 5,000 3,000 शेयर हैं उन्हें 1,000 शेयर बेचकर प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। फिर भी दोस्तों खरीदने या बेचने से पहले आपको खुद से रिसर्च ज़रूर करना चाहिए आरएफसी लिमिटेड को लेकर।